क्या आपने कभी मरे हुए लोगों के साथ फेस्टिवल मनाते हुए देखा है? और क्या हो अगर हमारे शरीर में सोना डाल दिया जाए? और दुनिया में सबसे पहले किसने राखी बांधी थी? और स्कूल बस हमेशा पीले रंग की ही क्यों होती है? और 15 अगस्त और 26 जनवरी को अलग अलग तरीके से झंडे फहराते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, मेंढक एक ऐसा पौधा है जिसको अगर उखाड़ो तो उसमें से इंसान की तरह रोने की आवाज आती है। नंबर 2, अमेरिका में एक ऐसा बीच है जहाँ पे पत्थर ग्लास जैसे दिखते हैं, ये देखो। नंबर 3, रूस दुनिया का एक ऐसा लौता देश है जहाँ के आधे भाग में शाम और आधे भाग में दिन होता है। नंबर 4, सांप के 2 प्रकार के जहर होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक जो दिमाग में असर करता है और दूसरा हेमोटॉक्सिक जिसमें खून जम जाता है। नंबर 5, क्या बिना छुए मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो? अगर गूगल असिस्टेंट में ओके गूगल ल्यूमस बोलेंगे तो आपके मोबाइल की फ्लैश तुरंत ऑन हो जाएगी। नंबर 6, नेदरलैंड में कॉर्पस म्यूजियम है जिसमें आप ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रैवल करके बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन को अच्छी तरह से समझ सकते हो। नंबर 7, क्या आपको पता है ताजमहल में पिछले 400 सालों से लाइट नहीं है और सरकार ने बहुत बार लाइट को लगाने की कोशिश की थी लेकिन हर बार टूट जाती है। नंबर 8, स्कूल बस हमेशा पीले रंग की ही क्यों होती है? क्योंकि पीला रंग सभी कलर की तुलना में 1.24% फास्टर दिखता है, मतलब वो कितनी भी ट्रैफिक हो या बहुत ज्यादा दूरी हो तब भी वो हमें क्लियर दिखती है। नंबर 9, ये देखो, ये जो आप राफ्ट देख रहे हो वो 2 कोरियन स्टूडेंट ने पोटेटो चिप्स की बैग से बनाया है और ये साबित कर दिया कि बहुत सारी एयर इसमें भरी जाती है। नंबर 10, वैज्ञानिकों का ये दावा है कि अगर इंसान के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से सोना डाल दिया जाए तो कैंसर के सेल्स खत्म हो जाएंगे और हड्डियां के जोड़ों को भी मजबूती मिल जाती है। नंबर 11, क्या आपने ब्राजील बुल सजा के बारे में सुना है? ये सजा एशिया यूनानी के समय में दी जाती थी। एक मेटल के नकली बेल के अंदर इंसान को डाल के नीचे से आग लगाई जाती थी और जब तक इंसान पूरा पिघल ना जाए तब तक आग जलती रहती थी। नंबर 12, 15 अगस्त 2022 को हम सभी लोग आजादी के 75वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक इंसान ने अपनी आंख में तिरंगा का टैटू बनवा के महोत्सव मनाया है, इससे कहते हैं गजब। नंबर 13, ये है साउलिंग लिंगली, ये दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर आदमी है। जब पहली बार इसने अमेरिका वीजा अप्लाई की तो रिजेक्ट हो गया, फिर इसने कनाडा में 15 बार एप्लीकेशन दी उसमें भी रिजेक्ट हो गया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 124 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उसमें 2 रिजेक्ट हुए, उसमें से एक था। फिर जब इसने चाइनीज पुलिस में 20 कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसमें 19 पास हो गए और ये अकेला रिजेक्ट हो गया, मतलब गजब बेइज्जती हुई इसकी। नंबर 14, क्या आपको पता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं तो अलग तरीके से फहराते हैं। 15 अगस्त को हम झंडे को नीचे से ऊपर तक खींच के फहराते हैं, उसे ध्वजारोहण कहते हैं, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है और हम उसे खोलकर फहराते हैं, उसे झंडा फहराना कहते हैं। नंबर 15, ये देखो, ये है चाइना की म्यूजिक स्कूल, पियानो जैसी बिल्डिंग बनाई है। नंबर 16, पेटलाव ओपो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे और वो सोच रहे थे कि वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करे। उसने ओपो कंपनी से रिजाइन देके खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी और उस कंपनी का नाम था वन प्लस। और आपको भी पता है आज वन प्लस कहाँ पे है। नंबर 17, क्या आपको पता है मैग्नेट को अगर हीट किया जाए तो वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देता है। नंबर 18, साल 1518 में डांसिंग प्लेज नाम की एक बीमारी फैली थी जिसमें लोग बिना कुछ खाए पिए आराम करे लगातार डांस करते रहते थे और मर जाते थे और हर दिन 15 लोगों की मौत होती थी। कुछ स्टडी में ये पाया गया है कि ये बीमारी ब्रेड से फैली थी। नंबर 19, क्या आपको पता है पृथ्वी पर सबसे पहले किसने राखी बांधी थी? पुरानी कथाओं के अनुसार राजा इंद्र और दानवों का भयंकर युद्ध चल रहा था, तब राजा इंद्र हारने ही वाले थे, तब गुरु बृहस्पति ने राजा इंद्र की पत्नी सूचि को राजा इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने को कहा था और राजा इंद्र ये युद्ध जीत गए और तब से रक्षाबंधन को मनाया जाता है। बट 20 से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 20, क्या आपको पता है इंडोनेशिया में मेनन नाम का डरावना फेस्टिवल होता है जिसमें लोग अपने मरे हुए रिलेटिव की बॉडी को हर 3 साल के बाद कब्र से वापस निकालते हैं और उस बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करके उसके साथ समय बिताते हैं और बॉडी को नए कपड़े भी पहनाते हैं और वापस
वापस उसे कब्र में लेटा देते हैं। ऐसा हर 3 साल में करते रहते हैं और ये वहाँ का रीति रिवाज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।